नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री बुटीक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बहुत ही सुंदर सा नेक डिजाइन बनाने का तरीका। यहाँ पे जो ये नेक डिजाइन बनाएंगे हम बिल्कुल सिंपल सी 5 रुपए मीटर वाली लेस के साथ तैयार करेंगे और ये डिजाइन बिल्कुल सिंपल होगा और शोकर होगा और जितना सिंपल होगा देखने में उतना ही ज्यादा ये प्यारा भी लगेगा। ये हमने यहाँ पे बुकरम ली हुई है नेक डिजाइन कटिंग करने के लिए। इसकी चौड़ाई तकरीबन हमारी यहाँ पे 4 से 4.5 इंच होनी चाहिए फोल्ड करने के बाद, क्योंकि हमें 6 इंच ब्रॉड कटिंग करना है। तो हम यहाँ पे जो ब्रॉड लेंथ रखेंगे 3 इंच रखेंगे ताकि ये 6 इंच ओपन होने के बाद 6 इंच आ जाए। इसके बाद हम यहाँ पे जो डीप लेंथ रखेंगे 7 इंच है तो 7.5 इंच रखेंगे। जो हमने ये 7.5 रखा है, 0.5 इंच ऊपर की साइड मार्जिन के लिए रखा है। यहाँ पे सीधा निशान लगाएंगे इस तरीके से, यहाँ पे भी सीधा लगाएंगे और यहाँ पे हम राउंड शेप डाल देंगे। इसी राउंड शेप के ऊपर कटिंग करेंगे। आधा से 0.5 इंच मार्जिन रखेंगे एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे यहाँ पे। दोस्तों, ये सिंपल सा नेक हमने राउंड शेप वाला कटिंग कर लिया है। अब हमें यहाँ पे इसको ऐसे रखना है इस तरीके से और ऊपर से देखते हैं हम कितने नीचे तक का डिजाइन तैयार करना होता है। तो ऊपर से टोटल हम यहाँ पे 15.5 तक डिजाइन रखेंगे तो तकरीबन हमें 9 से 10 इंच की एक पट्टी कटिंग करनी होगी इस तरीके से। इस पट्टी की लंबाई हमने 10 से 12 इंच ली है और जितनी हमें जरूरत होती है बाद में हम इसको काट देते हैं। तो इसको हम पेपर पेस्टिंग के ऊपर पेस्ट कर लेते हैं। लंबाई होगी 12 इंच की, चौड़ाई होगी 3 इंच की। ये पेपर पेस्टिंग का पीस है, ये हम यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। पेपर पेस्टिंग दोस्तों हमने पेस्ट कर लिए है। अब हम इस पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे एक साइड से और दूसरी साइड से फोल्ड करेंगे। इसकी जो चौड़ाई है तकरीबन हमें 1 इंच की रखनी होती है। अगर आप थोड़ी चौड़ाई ज्यादा बढ़ानी चाहते हो तो आप बढ़ा सकते हो, वो आपकी इच्छा है। एक्स्ट्रा कपड़ा काट लेंगे। और एक साइड नीचे से भी इस तरीके से फोल्ड करेंगे। और जो हमने ये गला बनाया कटिंग किया हुआ है ये हम पेस्ट कर लेते हैं अस्तर के ऊपर। इस तरीके से दोस्तों हमने गला भी अपना पेस्ट कर लिया है और नीचे के लिए पट्टी भी सेट कर लिए है। तो आइए मशीन के ऊपर चलते हैं और सीखते हैं इसको बनाने का तरीका। स्टिचिंग में दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमने ये पट्टी सेट की हुई है, तैयार की हुई है 1 इंच की, इस पे लेस अटैच करेंगे इस तरीके से। लेस हमने यहाँ पे लगा ली है।
अब हम फ्रंट लेते हैं और फ्रंट में ये पट्टी अटैच करते हैं। ये दोस्तों फ्रंट है, फ्रंट का सेंटर पॉइंट हमने यहाँ पे बनाया हुआ है और सेंटर में ही हमें ये पट्टी इस तरीके से रखनी होती है। और जो हमने यहाँ पे लेस के साथ में सिलाई लगाई है, इसी सिलाई के ऊपर हमें सिलाई से इसको अटैच करनी है। पट्टी अटैच करने के बाद अब हम यहाँ पे ऊपर की साइड गला तैयार करेंगे। तो सबसे पहले इसको गले को बना लेते हैं, बाहर वाला कपड़ा जो होता है इसको फोल्ड कर लेते हैं ऐसे। अब हम कटिंग करेंगे सिलाई के साथ साथ। ऊपर से भी एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे और यहाँ पे सेंटर पॉइंट बनाएंगे इस तरीके से फोल्ड करते हुए। अब हम सिंपल तरीके से यहाँ पे सेंटर पॉइंट में गला रखते हुए तैयार करते हैं। क्वार्टर इंच का मार्जिन रखते हुए कटिंग करेंगे। और जो गोलाई आती है गोलाई में इस तरीके से कट लगाएंगे, ध्यान रहे सिलाई ना कटे। अब हम गले को अंदर की साइड ऐसे पलटते हैं और प्रेस से इसको अच्छे से सेट कर लेते हैं। इस तरीके से दोस्तों हमने प्रेस से अच्छे से सेट कर लिया है नेकलाइन को। अब हमें यहाँ पे भी लेस लगानी है। लेस लगाने का सेम तरीका होगा, नीचे की साइड ऐसे दबाते हुए हाफ लेस हमें बाहर की साइड दिखानी होती है। तरीके से हमने राउंड शेप में अपनी लेस भी कंप्लीट कर ली है।
लेस कंप्लीट करने के बाद सेंटर में हमने यहाँ पे तीन बटन भी लगाए हैं जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और बहुत ही सिंपल सा ये नेक डिजाइन हमने आपको तैयार करके दिखाया है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।